उस सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है, अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। जब सत्ताधारी पार्टी ये जानती है कि वो अपनी जनता को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर भ्रमित कर सकती है, जब सत्ताधारी पार्टी ये जानती है कि जब वोट देने की बारी आती है तो तमाम जरूरी मुद्दे जिनका ताल्लुक आपके साथ है वो बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि जनता आखिरकार हिंदू और मुस्लिम जैसे मुद्दों पर वोट करती है, छद्म राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर वोट करती है, तो जाहिर सी बात है उसे जनता की क्यों परवाह होगी। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये प्रयागराज का वीडियो है। पुलिस बेरहमी से आप यहां देख सकते हैं एक दरवाजे को तोड़ रही है, क्योंकि अंदर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग छुपे हुए हैं। पुलिस यहां देख सकते हैं उन्हें बाहर निकालती है और बेरहमी से यहां पिटाई कर रही है। जी हां, अब देखिए यह तस्वीर, और इस तस्वीर को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है, जहां आप देख सकते हैं पटना के अंदर कड़कड़ाती ठंड में किस तरह से छात्रों पर जो है वो पानी की बौछार की जा रही है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र नाराज हैं, अभ्यर्थी नाराज हैं, और नाराज क्यों हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करीब हर साल 35,000 लोगों को चुनता है, मगर उससे पहले 7 गुना ज्यादा लोगों के का चयन होता है, यानी कि करीब 7 लाख लोगों का चयन होता है। जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इस बार जो चयन हुआ है उसमें बहुत जबरदस्त घपला हुआ है, एक एक विद्यार्थी को 7-7 पदों पर चुन लिया गया है। ये मुद्दा क्या है मैं आपको बाद में बतलाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले तस्वीरों के जरिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्या हो रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि रेलवे बोर्ड ने फिलहाल अपने फैसले को वापस ले लिया है, जिसका जिक्र मैं कुछ देर में करूंगा, मगर एक एक करके आज सुबह कड़कड़ाती ठंड में आप देख सकते हैं इन छात्रों में रेलवे पटरियों पर बैठकर अपना रोष, अपनी नाराजगी जतलाई थी। सबसे पहले मैं आपको बक्सर का नजारा दिखलाना चाहता हूं। बक्सर में भी आप देख सकते हैं छात्र जो हैं वो रेलवे पटरी पर बैठे हुए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बतलाया था कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में योगी की पुलिस किस बेरहमी से, या जो स्थानीय पुलिस है या जो CISF है वो किस बेरहमी से मार रही है उन्हें, और यहां पर आप देख सकते हैं कि वो लोग बक्सर में जो है पटरी पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। अब आपके सामने तस्वीर आरा की है दोस्तों, आरा में भी लगभग यही तस्वीर, विरोध प्रदर्शन जारी है, नाराजगी जारी है, और छात्र जो है लगातार अपनी बात रख रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा है। अपने हक का रोजगार मांगने के लिए डबल इंजन सरकार ने किया डबल अत्याचार, मेरा भारत ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूं मेरा भारत ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि 2014 से पहले जब कोई सरकार अत्याचार करती थी या ज्यादती करती थी तो हमारे पास प्रदर्शन का रास्ता था। आज की तारीख में कुछ छात्रों ने ज्यादती भी की है, क्योंकि कई जगहों पर आगजनी हुई है, रेलवे की प्रॉपर्टी को जलाया गया है जो नहीं होना चाहिए था, कई जगहों पर पटरी को उखाड़ दिया गया है जैसे कुछ मीडिया में खबरें आ रही थी, जो नहीं होना चाहिए था, मगर यह पहले भी होता था। उन्हें देशद्रोही, नक्सली नहीं बताया जाता था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अभी तो रेलवे बोर्ड ने इसे वापस ले लिया है इस फैसले को, मगर इन छात्रों को नक्सली बताने में मीडिया चैनल्स 1 मिनट नहीं लगाते। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रेलवे ने हार मानते हुए, घुटने टेकते हुए क्या फैसला जारी किया है आपके स्क्रीन पर। ब्रेकिंग, रेलवे मंत्रालय ने छात्रों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे की दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। NTPS और Level 1 दोनों परीक्षा पर फिलहाल रोक। रेल मंत्रालय ने कमेटी गठित की है जो परीक्षा में पास आउट स्टूडेंट और फेल किए गए स्टूडेंट की बातों को सुनेंगे और कमेटी इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी, उसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। फिलहाल रेलवे की परीक्षा पर रेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। पहले आप गड़बड़ करो,
पहले आप अपनी तरफ से असमंजस पैदा करने वाले फैसले करो और फिर आप ये फैसले लो। क्योंकि बेशक रेलवेज ने अपना फैसला वापस लिया, मगर नुकसान किसका हुआ बताइए? छात्रों ने इतनी मेहनत की और अब आपने उसे वापस ले लिया। क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के अंदर जब टीईटी की परीक्षा हुई थी और पर्चा लीक हो गया था, योगी सरकार ने तो बहुत आसानी से जो है उस परीक्षा को रद्द कर दिया, कह दिया कि हम एक महीने में परीक्षा कराएंगे, ये होगा वो होगा, मगर नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आखिर छात्रों का ही हुआ ना। और वो छात्र, वो अभ्यर्थी लगातार पिट रहा है। देखिए तस्वीर फिर से इलाहाबाद की, प्रयागराज की, किस तरह से जो है पीटा जा रहा है छात्रों को। दोस्तों सबसे दुख की बात यह है कि जब परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी नाराजगी जतला रहे थे, तो रेलवे मंत्रालय ये फरमान जारी करता है जो सो आपकी स्क्रीन पर है। और इस फरमान में लिखा गया है कि जो भी छात्र आगजनी कर रहा होगा उसे, उस पर हम आजीवन प्रतिबंध लगा देंगे और वो कभी भी परीक्षा देने लायक नहीं रहेगा। कोई कह सकता है कि एक तरफ चोरी दूसरी तरफ सीना चोरी। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बतलाता हूं। मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक तो सरकार अपने कदम से असमंजस पैदा करती है, और जब छात्र देखता है, बौखला जाता है, नाराज हो जाता है, फिर आप इस तरह से धमकी भरा जो है फरमान जारी करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों कि 2014 से पहले ऐसा कब होता था? सरकार जब देखती थी लोगों में नाराजगी है तो सरकार उसे संबोधित करने का प्रयास करती थी, वो नाकाम होती थी, वो एक अलग मुद्दा है। मगर यहां पर सरकार के तेवर स्पष्ट हैं कि हमसे गलती हो भी गई तो हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, मगर आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। यही वजह है कि ये छात्र नाराज हैं, यही वजह है कि अभ्यर्थी नाराज हैं। मैं चाहूंगा कि बक्सर से, आरा से तमाम छात्र क्या कह रहे हैं, एक एक करके सुनिए। क्यों उतरे हैं, क्या मांग है, क्या कारण है? हम लोग के सीबीटी वाला एग्जाम कैंसिल करे और हम लोग के मांग पूरा करे। अच्छा, तो उसके विरोध में क्या किए? तो उसके विरोध में आज क्या किए आप लोग? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ? रेलवे ट्रैक पे जाम कर रहे हैं। स्टेशन ट्रेन को भी रोके हैं? जी ट्रेन रोके हैं। कौन सी ट्रेन को? पैसेंजर है, एक्सप्रेस है, जनशताब्दी कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, कितना देर से रोके हुए हैं? हम लोग 1.5 घंटे से रोके हुए। अच्छा, तो आगे क्या? जब तक मांगे पूरी नहीं हुए जब तक हम लोग रोकेंगे नहीं है। इसलिए कहे हैं कि सीबीटी वापस ले हमारे रेलवे मंत्री, अगर नहीं लेगा तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग सर इतना दिन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, माँ बाप का सपना लेकर के पढ़ते हैं, 2019 में वैकेंसी निकलता है और 4 साल बाद नरेंद्र मोदी या तो हमारे रेलवे मंत्री कहते हैं कि एनटीपीसी में 4 को रिजल्ट होगा एक लड़का के और बाकी के नहीं होगा। 20% रिजल्ट देने के लिए कहते हैं और बताइए कि 20% ये रिजल्ट ना देके 4% ये रिजल्ट देते हैं। अब बताइए सर कि उसके बाद जब हम लोग मांग करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में मेंस की तैयारी के लिए बोलते हैं कि आपको मेंस भी परीक्षा देना होगा, जबकि सर मेंस के लिए पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। अगर इन्फॉर्मेशन दिए होते उसी अनुकूल हम लोग तैयारी करते। आज सर हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, इसलिए चाहे तो खुश रहे प्रशासन, खुश रहे। कैटेगरी में आपका कई, आपका उसमें रिजल्ट दे दिया गया है, 4, 3, 5 दिया गया है। इसी को लेकर हम लोग शांतिपूर्वक सरकार के माध्यम से और रेलवे मंत्रालय को, बोर्ड को, सचिव को एक आवेदन के माध्यम से, रेमंडम के माध्यम से, सर के माध्यम से सभी साथियों ने एक विरोध जताया और स्वतंत्रता अधिकार के तहत अपनी मांगों को रखा कि ये आप तनाशाही रवैया है। 4 वर्षों से आप विज्ञापन में कुछ लिखे हुए, आज जब 20 दिन परीक्षा हुआ तो बोल दिए कि आप एक और परीक्षा दीजिए। हो सकता है कल आप 10 दिन के बाद एक और नोटिस निकालेंगे जिसमें बोलेंगे एक और परीक्षा होगा, तो ये तो कह सकते हैं कि तानाशाही या मनमानी हो सकता है। इसी को विरोध में हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया, जो हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक रहा। अगर मांग नहीं होगा पूरी होगी तो 28 जनवरी को पूरे भारत बंद हो रहा, जिसमें बक्सर भी बड़े पैमाने पर इससे भी हजारों की संख्या में लड़के जुटेंगे, समर्थन करेंगे और एसडीओ सर के द्वारा भी हम लोगों का सहयोग। राष्ट्रीय लोकदल ने ही इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं और वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये कोई जंग का मैदान नहीं, भाजपा शासित बिहार की सड़कें हैं, ये टैंक किसी आतंकवादी के लिए नहीं बल्कि देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं के लिए हैं। तानाशाही चरम पर है और इसे न रोका गया तो देश की नस्लों में जहर घोला जाएगा। आज 26 जनवरी है दोस्तों, आज ही के दिन
संविधान की नींव रखी गई है। मगर हमने अगर एक चीज देखी है पिछले 7 सालों में, तो संवैधानिक मान्यताओं मर्यादाओं, लोकतांत्रिक मान्यताओं मर्यादाओं को बार बार रौंदा गया है। मेरे जैसे पत्रकार दोस्तों आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, नौकरियां को मुद्दा आपके सामने लाते हैं, वंचितों माइनॉरिटीज पर जो अत्याचार होता है वो मुद्दा मैं आपके सामने उठाता हूं। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि आप लोगों में से कई जो आज की तारीख में इन अभ्यर्थियों की तरह मैदान में संघर्ष कर रहे हैं, जब वोट का दिन आता है तो आप लोग वोट जो है उसी हिंदू मुस्लिम लाइन पर लगकर दे देते हैं। कितने शर्म की बात है, क्योंकि अगर आप सरकार को मुद्दों पर जवाबदेह नहीं बनाएंगे तो सरकार यही करती रहेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग जानना चाहते हैं कि यह मुद्दा क्या है। मैं कोशिश करूंगा बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेकर जो बवाल हुआ है वो मुद्दा क्या है। उसके लिए मैं आपको यूपीएससी की मिसाल देना चाहूंगा दोस्तों, यानी कि सिविल सर्विसेज में जब आईएएस आईपीएस आईआरएस के लिए सिलेक्शन होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, एक एग्जाम होता है जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं, शुरुआती टेस्ट। जो लोग उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं पास हो जाते हैं वो मेंस का एग्जाम देते हैं, और जो लोग मेंस में पास हो जाते हैं उनका इंटरव्यू होता है। और जब आपका सिलेक्शन होता है आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों मार्क्स को मिलाकर आपको आईएएस मिलता है, आईपीएस मिलता है, आईआरएस मिलता है, आईएफएस मिलता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रिलिमिनरी में यानी कि शुरुआती टेस्ट में जो मार्क्स मिले उसी के हिसाब से आपका काडर जारी कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में यही हुआ है। मसलन कल्पना कीजिए कि अगर 120 मार्क्स का टेस्ट है और मैंने 7 पदों के लिए अपना आवेदन दिया हुआ, यानी कि स्टेशन मास्टर, टीसी, गार्ड तक मैंने दिया हुआ है, और प्रिलिमिनरी टेस्ट में अगर मेरे 105 नंबर आ गए 120 में से, तो मैं 7 पदों पर सेलेक्ट हो जाऊंगा। मगर अगर मैं 7 पदों पर सेलेक्ट हो गया तो उसमें दिक्कत क्या है, मैंने 6 अभ्यर्थियों का हक मार दिया क्योंकि मैंने 7 पद भरे हुए थे, और यहीं पर मेरा काडर भी तय हो जाता है। मसलन अगर प्रिलिमिनरी टेस्ट में मेरे 50 नंबर आए हों और मैं गार्ड के लिए सेलेक्ट हुआ, गार्ड काडर के लिए सेलेक्ट हुआ, तो फाइनल टेस्ट में बेशक मैं टॉप कर जाऊं मगर चूंकि मेरा काडर पहले ही तय कर दिया गया है इसलिए मैं गार्ड ही बनूंगा, स्टेशन मास्टर नहीं बनूंगा। यह मसला है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कशिश चैनल से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने इस मुद्दे को लेकर अपने फेसबुक पोस्ट पर क्या कहा है उसे ध्यान से पढ़िएगा, मैं भी पढ़ रहा हूं उन्हीं की भाषा को और आप पूरा मामला समझ जाएंगे। परीक्षा का जो मानक पहले से निर्धारित रहा है उसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट में कुल पद का 20 गुना रिजल्ट जारी किया जाता था, लेकिन इस बार बोर्ड ने वैकेंसी के अनुसार प्रिलिमिनरी टेस्ट में 7 लाख की जगह सिर्फ 2,76,000 के करीब रिजल्ट जारी किया है, और इस रिजल्ट में ही छात्रों का काडर निर्धारित कर दिया गया है। ऐसा कभी किसी परीक्षा में नहीं हुआ, मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपको काडर गार्ड निर्धारित है तो आपको गार्ड की ही नौकरी मिलेगी चाहे फाइनल परीक्षा कर आप टॉपर ही क्यों ना हो। अब इसमें रेलवे का क्या तर्क है वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, संतोष जी ने जो अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है। रेलवे का तर्क यह है कि जो वैकेंसी निकाली गई है उसके अनुसार हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट में 20 गुना रिजल्ट जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड सही कह रहा है लेकिन इसके पीछे का खेल क्या है वो भी आप समझ लीजिए। रेलवे बोर्ड जिन 7 पदों पर बहाली कर रहा है हर पद के अनुसार 20 गुना रिजल्ट जारी कर दिया है उसने। उसमें 4 लाख से अधिक ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट किसी का 2 तो किसी का 7 पदों पर आया है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई 7 पदों पर सेलेक्ट हो गया, किसी के अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो ये यहां पर वो बात हो रही है। इस वजह से मात्र 2,76,000 छात्र प्रिलिमिनरी टेस्ट पास किए हैं जबकि प्रिलिमिनरी टेस्ट का रिजल्ट कम से कम 7 लाख होना चाहिए, यानी कि असमंजस पैदा करना। और दिक्कत क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, रेलवेज को
प्राइवेट करने की जद्दोजहद एक अरसे से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे तब भी उन्होंने कह दिया था कि मैं रेलवेज को प्राइवेटाइज करूंगा। मगर सीधा सवाल, जब ये रेलवेज प्राइवेटाइज हो जाएगी तो फायदा किसको होगा? मित्रों को, क्योंकि आप जानते हैं कि देश भर में जो तमाम एयरपोर्ट्स का जिम्मा, अधिकतर एयरपोर्ट्स का जिम्मा माननीय गौतम अडानी के पास है। उसी तरह से कोई तजुर्बा ना होने के बावजूद अनिल अंबानी को रफाल मामले की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इंडियन पार्टनर अनिल अंबानी थे जबकि उनका कोई तजुर्बा नहीं था। यानी कि मोदी जी अपने मित्रों का खास ख्याल रखते हैं। देश में बेशक पिछले 45 सालों में नौकरियां जो हैं सबसे बदतर स्थिति है, गरीब जो है और बदतर हालात में आया है, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में आ गया है, मगर गौतम अडानी लगातार तरक्की कर रहे हैं, मुकेश अंबानी लगातार तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि सरकार जानती है कि वो अपने मित्रों का ध्यान रखे। और जहां तक जनता की बात है, जनता वोट तो आखिरकार हिंदू मुस्लिम पर ही देगी ना, नकली मुद्दों पर देगी। जनता मुद्दों पर वोट नहीं देगी, जनता इस मुद्दे पर वोट नहीं देगी कि कोरोना काल में किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो आम जनता की आवाज को दबा रही थी। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार इस बात को समझती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जनता के सामने भाषण देते हैं कि जब मोदी और योगी हैं तो कोरोना क्या उखाड़ लेगा। उन्होंने उखाड़ लेगा नहीं कहा, मगर उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। नियंत्रित भीड़ हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी, तो मैंने कहा आपका भी तो कोई दायित्व है। उन्होंने कहा जनता इतनी उत्साहित है, उन्हें मालूम है कि मोदी जी और योगी जी हैं तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो मैं आपको क्या बतला रहा हूं दोस्तों, सरकार जानती है कि वो भ्रमित कर सकती है। और इसमें दोष सरकार का है नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, दोष आपका है। आप जो मुद्दे से भटक गए हैं, आप जिन्हें ये लगने लगा है कि अगर मोदी जी चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा, हिंदुओं पर अत्याचार होने लगेगा, आप भ्रमित रहिए। भ्रमित रहना तो चलिए एक गलती है, मगर दुख की बात यह है कि इस सियासत के चलते हमारी नसों में जहर भरा जा रहा है, जिसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं, मगर आप लोगों में से अधिकतर सुधरने का नाम नहीं लेने वाले। मगर मैं भी नहीं सुधरूंगा, आपके मुद्दे उठाते रहूंगा। नमस्कार।